नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, ईरान और इजराइल के बीच आखिरकार वही हुआ जिसकी आशंका पिछले कुछ वक्त से जताई जा रही थी। ईरान ने इजराइल पर ड्रोन अटैक कर दिया है। इजरायली सेना ने कहा कि ईरान ने अपने क्षेत्र से इजराइल पर कई ड्रोन लॉन्च किए, मिसाइलें लॉन्च की। ईरान के हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्स अब हाई अलर्ट पर है और लगातार हालात की निगरानी कर रहा है। आपको बता दें कि करीब 200 मिसाइलें और ड्रोन दागे गए हैं ईरान की ओर से। हालांकि इजरायली सेना का दावा है कि इनमें से ज्यादातर को हवा में ही मार गिराया गया। अटैक के चलते इजरायल डिफेंस फोर्स के बेस पर थोड़ा बहुत नुकसान पहुंचा है। IDF के मुताबिक एरो एयर डिफेंस सिस्टम के जरिए ईरानी मिसाइलों को इजरायली एयर स्पेस तक पहुंचने के पहले ही ध्वस्त कर दिया गया। मिसाइल और ड्रोन हमले के चलते इजरायल के दक्षिणी हिस्से में स्थित बेस को क्षति पहुंची है। इजरायली सेना का कहना है कि इससे इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज जरूर हुआ है, मगर बड़े पैमाने पर नुकसान की जानकारी नहीं है। इजरायली सेना के अनुसार ईरान की ओर से लॉन्च किए गए दर्जनों ड्रोन और क्रूज मिसाइलों को लड़ाकू विमानों ने भी मार गिराया। IDF की ओर से बताया गया कि इजरायल की ओर बढ़ रहे सभी हवाई खतरों को रोकने के लिए वायुसेना के विमान तैनात कर दिए गए हैं। इस बीच होम फ्रंट कमांड का कहना है कि इजरायलियों को अब बम शेल्टर्स के करीब रहने की जरूरत नहीं है। हालांकि सभाओं पर प्रतिबंध और सभी शैक्षणिक गतिविधियों पर रोक जारी रहेगी। फिलहाल लड़ाकू जेट और इजरायली नौसेना के जहाजों के साथ IDF एरियल डिफेंस एरो हाई अलर्ट पर रखा गया है, जो इजरायली वायु और नौसैनिक क्षेत्र में रक्षा मिशन पर है। आपको बता दें कि ये पूरा विवाद दरअसल है क्या, सीरिया में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर बीते कुछ दिनों पहले एक घातक इजरायली हवाई हमला हुआ था। इसके बाद ईरान ने इजराइल पर हमलों की कड़ी शुरू करने के लिए लोकल प्रॉक्सी का उपयोग करने की योजना बनाई। हालांकि ईरान ने इस बीच संकेत दिया है कि अगर उसकी मांगें पूरी कर दी जाती हैं तो वो तनाव कम करने को राजी है। तेहरान ने बहुत स्पष्ट कर दिया है कि प्रतिक्रिया नियंत्रित होगी और तनाव को बढ़ावा देने वाली नहीं होगी। ईरान गाजा पट्टी में युद्ध विराम सहित अपनी मांगें पूरी होने तक इससे पीछे हटने वाला नहीं है। ये भी कहा गया है कि ईरान परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत फिर से शुरू करना चाहता है। ईरान अमेरिका से यह आश्वासन भी चाहता था कि वो नियंत्रित हमले की स्थिति में शामिल नहीं होगा, जिसे अमेरिका ने कथित तौर पर खारिज कर दिया है।